और स्कीम में जानकारी जो है और जिस तरह से स्कीम का डायरेक्शन अभी मिला है कि जो वर्तमान में जिनका नाम लैंड रिकॉर्ड्स में अवेलेबल है उनको हम लोग करने जा रहे हैं। तो वहाँ पर जो किसान है जो मुख्यतः अभी हम लोगों ने जाके जो फिट नहीं, परंतु ये हम लोग नहीं कह सकते कि इस पूरे अंचल में ब्लॉक में एक भी लागू नहीं है। हो सकता है कि आने वाले फेज में जब और, क्योंकि अनवरत प्रक्रिया है जारी रहेगी, अभी ये जो पिछले 7 दिनों में जो प्रगति हुई है उसके आधार पर हम लोगों ने फर्स्ट फेज में इन लोगों को लाभान्वित करने के लिए। दूसरा मेरा सवाल है कि जो मरापाड़ा के किसानों का नाम शामिल नहीं है। देखिए इसमें चूंकि ये ट्रांसफर इसमें लैंड रिकॉर्ड और लैंड होल्डिंग्स को ही मुख्य आधार बनाया गया है, तो जहाँ पर अगर किसी की लैंड होल्डिंग्स, अभी जो कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं उसमें प्रथम किस्त लाभुकों को डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में सीधा चला जाएगा। सेकंड महत्वपूर्ण कार्यक्रम है निर्वाचन से संबंधित,